हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर गठित किया जाता है, जिसमें से 26 रियासतें शिमला की थी एंड 4 पंजाब हिल स्टेट्स थी। अब जब हिमाचल का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल 27,018 स्क्वायर किलोमीटर था। अब वो कैसे 55,673 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो आज की डेट में हमारा क्षेत्रफल है, उसकी जर्नी हम समझते हैं। जब हिमाचल को बनाया गया 1948 में, तो उस समय हमारे पास सिर्फ 4 जिले थे, जो चंबा, मंडी, सिरमौर एंड महासू। अब जब पांचवा जिला बना, पांचवा जिला 1 जुलाई 1954 को बनता है, वो बिलासपुर हमारा पांचवा जिला बनता है। बिलासपुर ऐसा जिला है जो हिमाचल में ऐड होने से पहले खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा है। वो हमारे पास आने से पहले पार्ट सी स्टेट रह चुका है। अब जो छठा जिला बना, किन्नौर जिला बनता है। 1 मई 1960 को किन्नौर जिला बनाया जाता है। और वो किस तरह से बनता है कि महासू जिले से निकलती है चीनी तहसील, और महासू जिले से ही निकलती है रामपुर तहसील के 14 गाँव। इन्हें मर्ज कर दिया जाता है और किन्नौर जिला हमारा 6th जिला बन जाता है। अब 1966 में बनता है विशाल हिमाचल। विशाल हिमाचल कैसे बना? पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 4 जिले हमारे यहाँ बनते हैं, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। ये बन गया विशाल हिमाचल। मतलब इस समय हमारा क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है, जो आज की डेट में हमारा एरिया है। अब 1972 में शिमला को रीऑर्गेनाइज़ किया जाता है, हिमाचल को रीऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और उस समय कांगड़ा से निकलते हैं हमीरपुर और उन्ना, ये 2 जिले नए बन गए। और महासू जिले से कुछ भाग निकल के मिल जाता है शिमला जिला में, और कुछ पार्ट से बन जाता है सोलन जिला। तो इस तरीके से 12 जिले हमारे कंप्लीट तैयार हो गए। आप देखते हैं कि जब 1948 में हिमाचल का गठन हुआ, तो उस समय हम कंप्लीट स्टेट नहीं थे। हम उस समय चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। 1948 से लेकर 51 तक हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहते हैं। 1951 से लेकर 56 तक हम पार्ट सी स्टेट रहते हैं। 1956 से लेकर 1971 तक हम यूनियन टेरिटरी रहते हैं। अब 1971 में हिमाचल प्रदेश को कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिलता है।